नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार, आप सभी लोगों का लर्निंग स्किल पे स्वागत है। दोस्तों, आज 31 मई और आज से रिलेटेड सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑन 13 मई विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी सेलिब्रेट देयर ऑन स्टेटहुड डे? तो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ए, गोवा। गोवा ने 13 मई को अपना स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया है और गोवा के जो सीएम है दोस्तों प्रमोद सिंह सावंत है, प्रमोद सिंह सावंत है। और यहाँ के जो गवर्नर है वो है भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी। और स्टेट की बात करें कि ये कब जुड़ा था, है तो 1987 में इंडिया का पार्ट बना दोस्तों, सबसे लास्ट में। और स्टेट की एरिया की वाइज से सबसे छोटा ये स्टेट है। नेक्स्ट देखते हैं, वन स्टॉप सेंटर OSC जिसे 60 में बोला जा रहा है, ए फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच यूनियन यूनियन मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? तो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों डी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट की ये स्कीम है वन स्टॉप सेंटर। और इसके जो हेड है इसके मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के वो है स्मृति ईरानी। कौन है दोस्तों? स्मृति ईरानी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन इज ए सेट एंड अपॉइंट ऑडिट टू द कंडक्ट फोरेंसिक ऑडिट ऑफ द लिस्टेड कंपनी? करेक्ट ऑप्शन होगा बी, सेबी। सेबी का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है मुंबई में, मुंबई में। इसके जो चेयरमैन है वो है अजय त्यागी, अजय त्यागी। और यहाँ के जो जो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों वो है द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट कर देखते हैं दोस्तों, विच एशियन कंट्री विल होस्ट द रिमाइंडर आईपीएल 2021 टूर्नामेंट इन सितंबर एंड अक्टूबर? तो राइट ऑप्शन होगा ए, यूएई। यूएई की बात करें तो यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी, अबू धाबी। दोस्तों ये जो आईपीएल के कुछ मैच बाकी रह गए जिससे फाइनल में उसका निर्धारण नहीं हो पाया कि क्या हुआ, तो उसको कंडक्ट कराएंगे फिर यूआई के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली ए न्यू स्पीशीज ऑफ द क्रिकेट नेम इंडिमस जयंती वाज फाउंडेड इन द विच ऑफ द स्टेट केव? राइट ऑप्शन होगा ए, कुरेन केव ऑफ द छत्तीसगढ़। यहाँ पे पाया गया दोस्तों एक अलग टाइप का स्पीशीज, आप देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, IFFCO टू लॉन्च नैनो यूरिया इन द मार्केट ऑफ नेक्स्ट मंथ इन द IFFC, व्हाट इज द स्टैंड ऑफ सी? तो सी स्टैंड करता है दोस्तों कॉरपोरेशन, क्या कॉरपोरेशन। IFC की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन। और ये नैनो यूरिया मतलब पहले के दोस्तों 45 केजी के जो पैकेट आते थे यूरिया के, 45 के की शायद 50 के आते थे, एग्जैक्ट याद नहीं है। अब उसको हाफ करके 25 से 20 के बीच में ये यूरिया के पैकेट आएंगे, तो उसको नैनो यूरिया बोला जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम लोकेटेड? वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट म्यूजियम कहाँ पे लोकेटेड है दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन होगा सी, पेरिस के अंदर। कहाँ पे? पेरिस के अंदर। In which of the following has been selected for the International INI Award 2020? तो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों सी, प्रोफेसर CNR राव को इंटरनेशनल इनी अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द बुक अनफिनिश्ड हैज ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच एक्ट्रेस? तो ये ऑटोबायोग्राफी है वो है प्रियंका चोपड़ा की, तो ऑप्शन करेक्ट होगा ए, प्रियंका चोपड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविक क्लीन्स द बेलग्रेड ओपन टाइटल आफ्टर डिफीटिंग द स्लोवेनिया एलेक्स मुलन इन सर्बिया रिसेंटली। सो जो नोवाक जोकोविक है वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों ए, सर्बिया से बिलोंग करते हैं। और वर्ल्ड के सबसे नंबर वन ये एग्जिस्ट करने वाले प्लेयर है ATP टेनिस के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, RBI इम्पोज मॉनेटरी पेनाल्टी ऑफ 10 करोड़ ऑन विच बैंक फॉर वायलेशन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट?
तो बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट के वायलेशन के तहत एचडीएफसी को आरबीआई ने 10 करोड़ का पेनाल्टी लगाया है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।